डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन आजकल ये टर्म बहुत नया चल रहा है कि व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स है कि जिस तरीके से हम कुछ गलत खा लेते हैं उसके बाद हम बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं, इसी तरह ये डिजिटल एज में जब हम बहुत ज़्यादा सेलफोन यूज़ करते हैं, हम विंडोज शॉपिंग करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे एप्स पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना इंडल्ज कर लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो इफेक्ट होने लगता है और हम एक इमेज बना लेते हैं कि ओहो ये इतनी सुंदर घर की पिक्चर है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, इतना अच्छा सूट है मेरे पास, ऐसा सूट होना चाहिए, इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे पास, गाड़ी होनी चाहिए एंड वॉट नॉट डू वी थिंक, है ना। तो डिजिटल डिटॉक्स में क्या होता है कि हमें यही डिजिटल मीडिया से को डिटॉक्स करना है, जो भी थॉट्स, जो भी प्रेशर हमारे माइंड पे क्रिएट होता है ज़्यादा सेलफोन के यूजर्स से, हमें उससे दूर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, दिन में जब भी आप फ्री हो कुछ समय निकालिए जो आपका अपना समय हो, जिस समय आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके बॉस की तरह आप पे एक्ट ना करे, तो उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन को उठा के थोड़ी देर के लिए ड्रॉअर में रख दीजिए और फिर कुछ घंटे उसे यूज़ मत करिए। मान लीजिए आपको उस समय में सोचना पड़ जाता है मैं क्या करूं, मेरा सेलफोन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं इस चीज़ के लिए, तो आप कोई रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करनी है तो किंडल पे मत करिए, रीडिंग करनी है तो आप कोई बुक ले लीजिए अच्छी सी और उससे रीडिंग करिए। अगर आपको गाने सुनने का मन है तो भी अपने मोबाइल को अप्रोच मत करिए, सीधे टीवी पे गाने चला लीजिए और किनारे बालकनी में बैठ के चाय पीजिए और फिर अपना म्यूजिक सुनिए। तो इस तरीके से जब आप थोड़ी देर के लिए ये डिटॉक्स करेंगे तो आपका जो माइंड है वो बेहतर तरीके से काम करेगा एंड ट्रस्ट मी यू विल बी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर फोकस्ड। आप ज़्यादा एनर्जी के साथ ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा।